वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा की इजाजत दे दी है। 31 सालों से यानी 1993 से तहखाने में पूजा पाठ बंद थी। कोर्ट ने कहा कि वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे, जिसके बाद व्यास परिवार पूजा पाठ शुरू कर सकता है। इससे पहले कोर्ट ने 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। इसके 7 दिन बाद यानी 24 जनवरी को डीएम की मौजूदगी में व्यास तहखाने का ताला खोला गया था। बता दें कि 25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग की थी। वहीं करीब 4 महीने बाद वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में 1993 से पहले सोमनाथ व्यास पूजा पाठ किया करते थे, हालांकि बाद में पूजा पाठ बंद हो गई थी। वहीं 2020 में सोमनाथ व्यास का निधन हो गया था। इसके बाद शैलेंद्र व्यास ने कोर्ट से पूजा का अधिकार मांगा। आज कोर्ट में व्यास परिवार का जो तहखाना है, उस तहखाने में पूजा पाठ का आदेश पारित कर दिया है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाराणसी को कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में 7 दिन के अंदर पूजा पाठ स्टार्ट करें, और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को डायरेक्ट किया है कि वहां पे पूजा पाठ तुरंत स्टार्ट करें।